शाम का करीब करीब 5:22 अभी हुआ है, और इंडियन रेलवेज के पास से अभी हमारे पास मैसेज भी आया कि COVID-19 की वजह से आपको रेल के अंदर ब्लैंकेट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा और कर्टेन्स वगैरह की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। एक्चुअली ये मैसेज हमारे पास जो कर्टेन और ब्लैंकेट का आया वो इसलिए आया क्योंकि जो हमने टिकट कराई है वो फर्स्ट एसी की कराई है नेताजी स्पेशल एक्सप्रेस से, जो कि जाएगी दिल्ली से कालका, और दिल्ली से तकरीबन रात को 9:10 की ट्रेन है हमारी। सो अभी 5:30 बजने वाले हैं, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि हमें अट्टा मार्केट नोएडा जाना है, वहाँ साक्षी को कुछ स्पेशल शॉपिंग करनी है, और वो सब करने के बाद में फिर हम वहाँ से निकलेंगे। सो अभी यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, और काफ़ी सारा सामान यार हो गया है, एक ये ट्रोली बैग हमारे पास में हो गया है, और एक ये पिट्ठू बैग हो गया मेरे पास में, और इन सबसे भी ज़्यादा साक्षी के पास जो एक बोझा है बहुत बड़ा वो ये है, इसका सबसे ज़्यादा बोझा है। तो ये इतने सारे हमारे पास हो गए हैं बोझे, और इनको लेकर के अभी चलते हैं। साक्षी को देखना पड़ेगा कि वो ज़्यादा मेहनत उसको करनी पड़ेगी। अपने बैगेज के साथ तो मेहनत करने के लिए तैयार हो ना, सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम तो यही है। जाते मैं चार्जर अपना यहीं पर भूल करके जा रहा था, सो साक्षी ने अभी याद दिलाया कि चार्जर रखो अपना, और ईयरफोन भी रखने। रेलवे की तरफ से हमें मैसेज भी आ गया, जो हमारा सीट नंबर है वो कन्फर्म हो गया है। चला गया। अरु बाय बाय। हैप्पी जर्नी। आज सुबह 7 बजे से काफी बारिश हुई है, और बारिश होने के बाद में हमारी कॉलोनी में सारे में पानी पानी हो गया, तो इस वजह से ऑटो वाले भैया को हमें अंदर ही बुलाना पड़ा है। थैंक यू भैया। करीब 6 बजे हम लोग घर से निकले थे, और रास्ते में साक्षी को शॉपिंग भी करनी थी, तो वो इसने की, और अभी तकरीबन 8:10 हुआ है, तो अभी हम पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं, और यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठे हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पेटीज और चाय ऑर्डर की है, 60 रुपये का दोनों है, दोनों के लिए 2 पेटीज और 2 चाय। और यहाँ पर आकर के अभी मैडम ने सर्च किया तो इनको पता लगा कि जो हमारी ट्रेन है वो गाज़ियाबाद से भी थी, तो हमसे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई है। 2 घंटा करीब हमें लग गए हैं बनाने के लिए। और अगर हम गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन अगर हम घर से जाते तो हमें मैक्सिमम 10 मिनट लगता, 8 से 10 मिनट हमें लगता है, और हमने यहाँ पर 2 घंटे वेस्ट कर दिया है। सो अगली बार से कभी हम करेंगे इस तरीके से जर्नी, तो फिर हम उसको एक बार चेक कर लेंगे। वेटिंग रूम में जो आपका स्लीपर वाला वेटिंग रूम होता है वो अलग होता है, और हायर क्लास वाला अलग होता है, जो एसी वाला होता है वो अलग होता है। दिल्ली में जो वेटिंग रूम है वो सबका हायर क्लास का सबका अलग है, एक ही जगह पर है, मतलब सेपरेट तीनों का एक जगह पर है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन की वजह से कुछ चीज़ें रेलवे में प्राइवेट हो गई हैं, उस वजह से जो अब जो है चार्जेस रेलवे लेने लगा है, जो वेटिंग रूम है उसके चार्जेस लेने लगा है 5 रुपये, जो अडल्ट नहीं होते हैं उन लोगों के लिए 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए 5 रुपये पर घंटा, और जो उससे बड़े हैं उनके लिए 10 रुपये पर घंटा के हिसाब से आपको करना होगा, तब वेटिंग रूम में आप बैठ सकते हैं। उसके लिए आपको पहले एंट्री करानी होगी, और निकलते हुए भी आपको एंट्री करानी होगी। सो हमारी ट्रेन राइट टाइम पर ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है, नेताजी स्पेशल एक्सप्रेस जिसका नंबर 0-23-11 है। दोस्तों इसको पहले कालका मेल भी बोला जाता था, और उससे पहले जब ये ट्रेन स्टार्ट हुई थी 1866 में, क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम से चल रही है, सबसे पुरानी ट्रेन के अंदर इसका नाम आता है, तो तब इसको ईस्ट इंडिया मेल बोला जाता था। और दोस्तों नेताजी स्पेशल एक्सप्रेस को ईस्टर्न रेलवे रन करता है, तकरीबन 7 राज्यों को ये कनेक्ट करती है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा। और दोस्तों 1713 किलोमीटर के डिस्टेंस जो कि हावड़ा जो पड़ता है आपके वेस्ट बंगाल में वहाँ से लेकर के, और कालका जो कि हरियाणा में पड़ता है वहाँ तक की ये डिस्टेंस 1713 किलोमीटर कवर करती है, जिसको ये 29 घंटा और 5 मिनट में कवर कर लेती है। और दोस्तों इस ट्रेन के अंदर हर तरीके के कोच आपको उपलब्ध मिल जाते हैं, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास, फर्स्ट एसी, 3 टीयर, 2 टीयर एसी, सारे के सारे कोचेस आपको इस ट्रेन के अंदर अवेलेबल होते हैं। अच्छा दोस्तों अभी हम अपनी ट्रेन में आ चुके हैं, नेताजी स्पेशल एक्सप्रेस हावड़ा जो कि आपका पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से चलती है कालका हरियाणा तक। और फर्स्ट एसी का टिकट हमने कराया है, लेकिन फर्स्ट एसी के नाम पर इस ट्रेन के अंदर एक केबिन कूप है और 2 कूप है केवल।
सो कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा कंपार्टमेंट नहीं है फर्स्ट एसी के लिए, केवल तीन आप बोल सकते हैं। फैसिलिटी के नाम पर क्या क्या इसमें बदलाव है, जो लास्ट वीडियो आपने देखी होगी फर्स्ट एसी की, जो कि हमने की थी वैष्णो देवी से और दिल्ली तक जाट स्पेशल ट्रेन, सो उससे इस ट्रेन के अंदर क्या क्या डिफरेंस हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में अभी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ अभी हमने खाना ऑर्डर कर दिया है, तो वो भी देखना है कि पेंट्री तो इसके अंदर है नहीं है, मतलब पेंट्री इसके अंदर आपको स्पेशली नहीं मिलेगी। कुछ लोग आते जाते रहते हैं जो पेंट्री का खाना पूरी ट्रेन के अंदर सर्व करते हैं। अब मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि कोविड के दौरान ऐसा हुआ है कि इससे पहले भी ऐसा ही था। इसके बारे में जो भी भैया खाना देने के लिए आएंगे सर्व करने के लिए उनसे बात करेंगे एक बार कि जो ये सुविधाएं हैं क्या अभी ऐसा कुछ है कि या पहले भी ऐसा था। बाकी ट्रेन के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज मिलती हैं इसी फर्स्ट क्लास के अंदर, जो कि हमने टिकट बुक कराया था इसका। हाँ भैया, दो खाना यहाँ पर। हाँ भैया, ये बताइए एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं ना आपको? जो खाने की फैसिलिटी है तो ये मतलब कोविड की वजह से ऐसा है कि पहले से ही ऐसा चलता हुआ आ रहा है? नहीं नहीं, पहले से ही ये पहले से ही ऐसा है, मतलब इसकी कोई पेंट्री नहीं है, इसकी सेपरेट है ना। ठीक है ठीक। दो थालियाँ ऑर्डर की थी खाने के लिए, वो हमने अभी ले ली है, इसको हम अभी थोड़ी देर में खाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कैसा खाना यहाँ पर मिलता है। भले ही सेपरेट पेंट्री ना हो लेकिन इसके अंदर सर्व तो किया ही जाता है, सो इसको चेक करके आपको बताएंगे। और बाकी जो फैसिलिटीज़ इस ट्रेन के अंदर जो हमें मिलती हैं उसके बारे में भी दिखाएंगे। टॉयलेट्स की यहाँ पर क्या कंडीशन है, हालांकि मैं अभी होकर के आया हूँ लेकिन मैंने वीडियो उसकी नहीं बनाई है, तो ज़्यादा अच्छी कोई टॉयलेट्स की कंडीशन अभी है नहीं फिलहाल, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे फिलहाल। और अगर हम अगर कंपैरिजन करें जो जाट स्पेशल ट्रेन थी हमारी उससे, अगर फर्स्ट एसी का हम कंपैरिजन करें केबिन कूप का, तो जो इसका स्पेस है इस कूप का वो भी काफ़ी कम है, ज़्यादा कोई स्पेस है नहीं इसके अंदर। सबसे पहले मैं कि इस केबिन कूप की ही बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मुझे एक्स्ट्रा दिख रहा है इस केबिन कूप के अंदर, वो ये एक फ़ैन है जो कि बाकी ट्रेन में मैंने नहीं देखा था, दूसरी वाली में जाट स्पेशल में, तो ये एक्स्ट्रा है। और आई थिंक ये कुछ कवर टाइप का है, इसमें आप अपने सामान वगैरह रख सकते हैं, तो ये एक अलग से एक्स्ट्रा यहाँ पर दिया हुआ है, ये सेक्शन एक्स्ट्रा है, इसमें आप कोट वगैरह अपना हैंग कर सकते हैं। और इस ट्रेन के अंदर आपको क्या एक्स्ट्रा जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये लाइट्स वगैरह सेम वैसे ही हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से गांधी जी की फोटो कहाँ पर है? I mean, एक ये आप देख सकते हैं, ये जो पेंटिंग है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा है इस ट्रेन के अंदर, बाकी कुछ एक्स्ट्रा है नहीं ऐसा फिलहाल। और यहाँ पर एक ये सेक्शन है, अगर आपको ट्रेन अटेंडेंट को बुलाना है तो यहाँ से आप ये बुला सकते हैं। फिर ये नाइट लाइट का ऑप्शन है आपके पास में, और ये लाइट का ऑप्शन है अगर आप इसको ऑन ऑफ करते हैं तो। सो ये सारी चीज़ें वैसे ही हैं। यहाँ पर एक आपका लैपटॉप वगैरह चार्ज करने के लिए पॉइंट दिया हुआ है, और ये बेल के लिए आई थिंक है यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है चार्ज करने के लिए, चार्जिंग पॉइंट। और ये नाइट लाइट वगैरह है, और ये फिर बस एसी का एयर यहाँ से आती है। सो इतना छोटा सा कूप है, इसके अंदर यही सारी सुविधाएं मिलती हैं। बाकी अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं, ये स्टेयर्स बने हुए हैं। और वो वाली ट्रेन में क्या था कि स्टेयर्स आई थिंक दोनों साइड में थे, नहीं वहाँ पर भी एक साइड में थे, वहाँ पर भी एक साइड में थे, बस ये कि स्पेस काफ़ी कम है उसकी अपेक्षा में। और दूसरा, ये हैंग करने के लिए आपको अगर कपड़े यहाँ पर हैंग कर सकते हैं आप, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर हैं लेकिन थोड़ा कम स्पेस के साथ साथ हैं। और अगर हम इसके सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो इस सीट को हम इस तरीके से ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीट हमने यहाँ से ऊपर कर ली और ये अपने आप ही ऊपर चली जाती है, तो इसको आप ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। और फिर अगर हम नीचे वाली सीट की बात करें, एक मिनट हटना ज़रा, अगर हम नीचे वाली सीट की बात करें तो इसको हम सोफ़ा बना सकते हैं इस तरीके से, हम यहाँ से इसको ऊपर उठाएंगे और एक मिनट हटाई बैठते हैं, इस तरीके से हम इसको ऊपर उठा करके सेम जैसे कि फर्स्ट एसी में होता है वैसे हम इसका सोफ़ा भी बना सकते हैं। सो सेम वैसे ही फैसिलिटीज़ हैं, कर्टेंस वगैरह और पिलो वगैरह या फिर ब्लैंकेट वगैरह वो यहाँ पर मिलेगा नहीं फिलहाल, इसको ऐसे बंद करो। जमा दिया क्या? लोग रुक जाओ, चलो खींचो। अच्छा, यहाँ पर एक जो डिफरेंट थिंग मुझे लगी है वो ये है कि ये यहाँ पर ये इसका लोग दिया है सेंटर में, अगर आप इसको ऐसे सीट को छोड़ते हो इसको सोफा बनाने के लिए तो इसका ये लोग लग जाता है अपने आप ही, और इसको आप अगर ऊपर की तरफ पुश करोगे उसके बाद आप इसको खोल सकते हो। तो इस तरीके से ये कुछ सुविधाएं इसके अंदर हैं। बाकी भाई गर्म मौसम है, एसी है,
तो इससे अच्छी सुविधा और क्या हो सकती है। इस ट्रेन के अंदर फर्स्ट एसी के लिए एक केबिन कूप और दो केबिन है। सो जहाँ से ये लोग निकल रहे हैं, इधर की साइड का पूरा एरिया इस कंपार्टमेंट के अंदर सेकंड एसी के लिए आता है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम वाली बात ये है कि ये जो कॉरिडोर है ये सेकंड एसी से अटैच्ड है, और जो ये कंपार्टमेंट है आगे की साइड में जिधर की साइड अभी हम जा रहे हैं, ये जा करके स्लीपर से अटैच्ड है। तो इसमें क्या है कि लोगों को आना जाना लगातार लगा रहता है। सो जो प्राइवेसी मिलनी चाहिए फर्स्ट एसी के अंदर वो नहीं मिल पाती है। और ये जो वॉशरूम आप देख पा रहे हैं, वैसे आप इसमें दिख रहा है किस तरीके का है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर भी मैं ये कहूँगा कि ओके टाइप का वॉशरूम है। कोई ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा साफ़ है, बहुत ज़्यादा क्लीन भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जो हैंड वॉश वगैरह है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से रखा हुआ है। सो इतना काफ़ी है। और यहाँ पर इस ट्रेन के अंदर जो नहाने की व्यवस्था है, जो जाट स्पेशल ट्रेन के अंदर थी, वो नहाने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। अब दोस्तों एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर और नज़र आई, क्योंकि कर्टेन वगैरह प्रोवाइड नहीं कराए जा रहे हैं। तो जो ये कूप वाला शीशा है जो बाहर से हम देख सकते हैं, तो वो ब्लैक होना चाहिए, लाइट ऑफ होने के बाद उसमें कुछ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। लाइट जब हम ऑफ कर देते हैं उसके बाद भी अंदर का साफ साफ दिखाई देता है। पानी की बोतल एज यूजल रेल नीर 15 रुपये का मिलता है, कहीं से भी आप ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन से या ट्रेन के अंदर, यहाँ पर भी ले जाओ, 15 रुपये का मिलता है। 5 रुपये अपने 20 रुपये देने के बाद में वापस जरूर लेना, क्योंकि ये लोग देते नहीं है। साक्षी ने 20 रुपये उसको दिया था, साक्षी को लगा शायद 20 रुपये की ही बोतल होगी, लेकिन मैंने साक्षी से पूछा तुमने 5 रुपये वापस लिए कि नहीं लिए, तो उसने तब तक दिए नहीं थे, हाथ में उसने रखा हुआ था, जैसे ही मैंने बोला वैसे ही उसने वापस किया। तो जब भी आप ये बोतल खरीदना तो अपना 5 रुपये जरूर वापस लेना। फिलहाल जो खाना हमने मंगवाया अभी उसको ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरीके का खाना यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का खाना यहाँ पर ट्रेन के अंदर मिलता है। ये पनीर की सब्जी है, और ये दाल दी है इन्होंने, पीली दाल है ये, और ये मिक्स वेज है, मिक्स वेज के नाम पर इसमें आलू और मटर है केवल, और ये राइस है, और 3 रोटी हैं, और थोड़ी सी सलाद है, और चम्मच इन्होंने दी नहीं है, 1 स्पून केवल इन्होंने दिया है। तो खाना ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर टेस्ट करके आपको बताते हैं किस तरीके का खाना है ये। जैसी मुझे उम्मीद थी वैसा ही खाना है, जिस तरीके का खाना रेल के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है वैसे ये खाना है। अब आप समझ लीजिए किस तरीके का खाना ये होगा। इसके लिए हमने पे किया है 360 रुपये, 360 रुपीज़ हमने 2 थाली के लिए पे किया है। सो फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, हम खा लेते हैं इसको, क्योंकि सुबह तक का टाइम तो निकालना ही है ना। ट्रेन की जो टाइमिंग है वो 9:10 पर डिपार्चर है इसका, यहाँ से दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से। अभी तकरीबन 9:15 हुआ है, तो ट्रेन अभी निकल चुकी है दिल्ली से, और कालका की तरफ अभी ये चल चुकी है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने जो हमारी फर्स्ट एसी वाली लास्ट ट्रिप थी वो अगर आपने नहीं देखी है, वैष्णो देवी से और दिल्ली तक जो हम आए थे जाट स्पेशल ट्रेन में, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाइए, आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप देखिए और अपने रिव्यूज दीजिए। सो शेखर के रिव्यू देने से पहले मैं रिव्यू दे देती हूँ कि खाना बहुत ही थर्ड क्लास, मतलब आप इतने पैसे पे करो और उसके बाद भी आपको इतना गंदा खाना मिले तो दिमाग खराब हो जाता है। उसमें से भी मेरी 1 रोटी और मेरा सारा खीरा ये खा गया, मुझे तो पेट भरना है, सुबह तक का मुझे चलाना है जिस तरीके से, तो खाना तो पड़ेगा। और दिल्ली, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खाना हमने केवल इसलिए नहीं खाया क्योंकि हमें ट्रेन के खाने का रिव्यू लेना था, केवल इस वजह से हमने वहाँ पर खाना नहीं खाया, तो आज पेट भर के खाना नहीं हो पाया। तो मैं आलू की सब्ज़ी बहुत ही कम खाता हूँ, लेकिन आज इस थाली में केवल आलू की सब्ज़ी ठीक ठाक है, तो मैंने सोचा साक्षी की तरफ, मैंने देखा कि हो सकता है साक्षी की थाली में कुछ आलू की सब्ज़ी बच गई हो, तो लेकिन उसके लिए कुछ चट है, तो अभी अपने से ही काम चलाना पड़ेगा, आज पूरा पेट भर नहीं पाएगा। यहाँ पर जो रेलवे ने सुविधा दी है, सबसे अच्छी जो मुझे चीज़ लगी है, कुछ अनोखा मैंने आज देखा है ट्रेन के अंदर। एक्चुअली ट्रेन के अंदर ही क्यों, हर जगह पर जहाँ पर भी आप कभी अगर लाइट को ऑन या ऑफ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या अप डाउन करना है, डाउन तो बंद, अप तो ऑन, डाउन डाउन बस बस। मैं तो मन कर रहा है इन लाइट्स को अप डाउन करता रहूँ पूरी रात बैठा बैठा यहीं पर ऐसे, क्योंकि काफ़ी सारी लाइट्स हैं, 1, 2, 3। अब क्योंकि रेलवे ने पहले ही मैसेज कर दिया था कि ट्रेन के अंदर आपको कंबल
या पिलो या फिर आपको कर्टेन्स वगैरह की सुविधा बिल्कुल भी नहीं देंगे हम कोरोना के दौरान में। अपने घर से ही व्यवस्था करके लेकर के आए तो ब्लैंकेट सभी बाहर निकालते हैं क्योंकि हो सकता है रात में ठंड लगे, हो सकता है रात में ठंड ना लगे, तो फिलहाल हम लेकर के आए तो निकाल देंगे। अभी रात का करीब 10:05 हुआ है और हमारी ट्रेन अभी सोनीपत तक पहुंची है। सुबह 3 के आसपास हमारी ट्रेन पहुंच जाएगी कलका, सो अभी सोते हैं क्योंकि कल फिर जो हमारी जर्नी है वो काफ़ी एक्साइटिंग होने वाली है, तो रात में अच्छे तरीके से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से रात में मैंने ये एसी फर्स्ट क्लास की जो टिकट है वो ली थी, क्योंकि कल की जो हमारी जर्नी है वो काफ़ी एक्साइटमेंट से भरी हुई होगी, बहुत सारे नज़ारे होंगे अच्छे अच्छे, बहुत सारी चीज़ें जो वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। सो अभी फिलहाल सोते हैं और सुबह उठ करके फिर तब फिर बात करते हैं। तो यार सुबह का करीब करीब 3:59 अभी हुए हैं और हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है कालका। सो राइट टाइम है 9:15 पर निकली थी दिल्ली से और अभी राइट टाइम पहुंच गई है। और बाहर अभी मैंने देखा है तो बारिश हो रही है हल्की हल्की, बाकी अब बाहर चलते हैं क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन है वो आई थिंक 5:45 पर या 6:45 पर है, 5:45 पर हमारी दूसरी ट्रेन है जो टॉय ट्रेन है कालका से और शिमला के लिए। सो उसका हमें तकरीबन 2 घंटा और 45 मिनट वेट करना पड़ेगा। सो देखते हैं वेटिंग रूम में या तो थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे या फिर फ्रेश वगैरह होकर के चाय वगैरह पी करके बैठेंगे, देखते हैं अभी क्या करना है आगे।